द नेम ऑफ द चैप्टर इज द एडवेंचर ऑफ टोटो, रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. अ लार्ज किचन कैटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉइल फॉर टी एंड टोटो, फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू, डिसाइडेड टू रिमूव द लिड. एक बार किचन में एक कैटल रखी हुई थी जिसमें पानी बॉयल हो रहा था चाय के लिए, तो टोटो ने उसे देखा और उससे कुछ और करने का नहीं सूझा. और तभी टोटो ने उसे देखा और उसे लगा इससे अच्छी चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती, और उसने उस कैटल की लिड यानी ऊपर का ढक्कन हटा दिया. फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर अ बाथ, ही गॉट इन विद हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन कैटल. और वो पानी उस टाइम पे इतना ही गर्म था कि वो आसानी से नहा सके, तो वो तभी की तभी उसके अंदर चला गया और सिर्फ अपना सिर बाहर रखा, बाकी पूरे बॉडी कैटल के अंदर. This was just fine for a while until the water began to boil. और उसे तब तक ही अच्छा फील हुआ जब तक कि पानी उबलना शुरू ना हो जाए. Toto then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. जब उसे महसूस हुआ कि पानी बहुत ज़्यादा गर्म होने लगा है तो वो थोड़ा सा बाहर निकला, लेकिन पानी से बाहर निकलते उसे ठंड लगी तो दोबारा से पानी के अंदर बैठ गया. He continued hopping up and down for some time. Until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. Hauled मतलब drag, खींच कर बाहर निकालना. वो बार बार यही कर रहा था कि पानी में कभी अंदर जा रहा था, कभी बाहर आ रहा था, कभी अंदर कभी बाहर. और उसने ऐसा कब तक किया, जब तक grandmother ना आ गई और उन्होंने उसको खींच के बाहर नहीं निकाला. If there is a part of brain specially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. यहाँ पे हमसे क्या क्या है कि अगर ब्रेन में एक ऐसा पार्ट होता जो स्पेशली शरारतों के लिए, मिसचीफ्स के लिए बना होता, तो वो पार्ट टोटो के अंदर बहुत ही कूट कूट के डेवलप्ड था. ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स इन टू पीसेस. वो हमेशा चीज़ों को टुकड़ों में फाड़ता तोड़ता रहता था. वेन एवर माई वन ऑफ आंट्स केम नियर हिम, ही मेड एवरी एफर्ट टू गेट होल्ड ऑफ अ ड्रेस एंड टीयर अ होल इन इट. जब भी आसपास से या कोई भी आंट, उस नैरेटर की कोई भी आंट उसके आसपास भी आती थी, तो वो अपनी पूरे जोर जी जान से कोशिश करता था कि वो उनकी ड्रेस को पकड़े और उसको फाड़ के उसमें होल कर दे. वन डे एट लंच टाइम अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल. एक बार लंच टाइम के दौरान टेबल के सेंटर में पुलाव रखा हुआ था. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. वो लोग रूम में टोटो को राइस देने के लिए गए. My grandmother screamed and Toto threw a plate at her. Scream मतलब shouted. Grandmother चीखते हुए उसके पास गईं, लेकिन टोटो ने क्या करा, grandmother के ऊपर plate फेंक के मारी. One of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. जैसे ही उसकी एक आंट उसके पास गई, उनके मुंह पे उसने पानी का ग्लास फेंक के मारा. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit from the window. और जैसे ही वहाँ grandfather आते हैं, Toto ने पुलाव का डिश उठाया और विंडो से बाहर चला गया. We found him in the branches of the jackfruit tree, the dish still in his arm. और जब वो उसे ढूंढ रहे थे तो वो एक jackfruit tree के ब्रांचेस पे बैठा हुआ था और उसके हाथों में अभी भी पुलाव वाला डिश था. ही रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस, डिटरमाइंड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन. वो पूरी के पूरी दोपहरे वहीं पे बैठा रहा और राइस खाता रहा. एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंडमदर हु हैड स्क्रीम्ड एट हिम, ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस. चैटर्ड मतलब हैप्पीली, बहुत ही खुश होना. जैसे ही ग्रैंडमदर ने उसको डांटा था, उस पर चिल्लाया था और वो लोग ढूंढते ढूंढते ट्री के पास पहुंचे थे, टोटो ने ग्रैंडमदर को देखते ही उनके ऊपर पुलाव वाला डिश फेंक दिया और बहुत ही खुश होने लगा. क्यों? क्योंकि वो बहुत सारे पीसेस में टूट चुकी थी और उसे बहुत खुशी हुई. ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग. और फिर उन लोगों को ये बात समझ आई कि टोटो एक ऐसा पेट नहीं है जिसे वो ज़्यादा समय तक अपने पास रख सके.
इवन ग्रैंडफादर रियलाइज डेट और ग्रैंडफादर ने भी यह बात समझ ली. वी वर नॉट वेल टू डू एंड नॉट कुड एंड कुड नॉट अफोर्ड द फ्रिक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस क्लोथ्स कर्टेन्स एंड वॉलपेपर. नैरेटर बताते हैं कि वो लोग इतना खर्चा अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे कि वो लगातार डिशेस क्लोथ्स कर्टेन सबको पीसेस में तोड़ तोड़ के रखता रहे और वो कुछ ना कर पाए. सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सॉल्ट ऑटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज. सो ग्रैंडफादर ने डिसाइड किया कि अब हम इसको अपने साथ नहीं रखेंगे. उन्होंने उसी टोंगा ड्राइवर को वापस से ढूंढा जिससे उन्होंने उसे टोटो को खरीदा था और वापस उसे ही बेच दिया 3 रुपीज़ में. खरीदा था 5 रुपीज़ में, बेच दिया 3 रुपीज़ में. सो दिस वॉज अवर चैप्टर जिसमें हमने क्या देखा कि टोटो किस तरीके से शरारतें करता था, किस तरीके से ग्रैंडफादर को स्टार्टिंग में उसकी सारी शरारतें अच्छी लगी लेकिन फिर धीरे धीरे उनको परेशानी होने लगी और उनको उसे वापस देना पड़ा. होप यू लाइक इट. थैंक यू. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल.